हंटर की ब्रांडिंग के साथ में है एक हेडलाइट ग्रिल ये थे ये। इसके अलावा एक वाइजर भी यहाँ पर लगा हुआ है जो वाला भाई वाला तो सीन ही नहीं है कि इसमें फ़ोन कोई लेके चल पड़ेगा, गाड़ी ही गिर जाएगी अगर ज़्यादा ताकत लगाए। उसके अलावा इसमें रॉयल एनफील्ड मिरर लगा रखे हैं, CNC में है, बिल्कुल यूनिक है। जिन लोगों को यहाँ वाले नहीं लगाने, जिन लोगों को ये छपरी लगते हैं ये वाले, तो वो ये डिसेंट से लगवा सकते हैं। अब आप यहाँ भी देख सकते हो कि लैग भी सेफ है, कस्टमर की चॉइस के साथ होता है। अपनी दुकान पर जो वो काम होते हैं जो आपकी पसंद होती है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये लगवा लो वो लगवा लो, आप जैसा बताओगे वैसे ही होगा। वो आपको पसंद होना चाहिए क्योंकि गाड़ी आपकी है, पसंद भी आप ही की होनी चाहिए गाइस। किसी दूसरे की पसंद से कभी भी काम नहीं कराना चाहिए, जो आपको खुद को पसंद हो आप वो काम करवाओ। तो बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं ले आपके लिए कौन है वीडियो कौन है टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक। तो आज लोगों के लिए आप लोगों के लिए लाया हूं मैं गाइस, आप देख सकते हो अपने सामने है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। और इसमें कुछ ऐसा काम था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जिन लोगों के पास हंटर है तो उन लोगों के पास ये वीडियो जानी चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें और हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें हंटर की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें है एक हेडलाइट ग्रिल आ चुके थे ये वाला, और इन्होंने गाड़ी काफ़ी चला भी दी है। और गाइज इसमें जो है लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। बाकी ये ब्लैक में है, आप चाहो स्टेनलेस स्टील में ले सकते हो, लैमिनेशन पहले करा चुके थे ये। इसके अलावा एक वाइजर भी यहाँ पर लगा हुआ है। जो अभी काम किए गए हैं वो मैं आपको दिखाया था। सबसे पहले तो गाइज आप यहाँ पर देखो एक मोबाइल होल्डर आर्टेक का अनब्रेकेबल और चार्जिंग के साथ गाइज ये ले सकते हो, बहुत ही हैवी है, कहीं नहीं जाने वाला भाई। वाला तो सीन ही नहीं है कि इसमें फ़ोन कोई लेके चल पड़ेगा, गाड़ी ही गिर जाएगी अगर ज़्यादा ताकत लगाए, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको आप इस तरीके से जितना इसको खोलना चाहो खोल के अपना फ़ोन लगा सकते हो, टैबलेट नहीं आएगा, फ़ोन कोई भी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा इसमें रॉयल एनफील्ड मिरर लगा रखे हैं, CNC में है, बिल्कुल यूनिक है। जिन लोगों को यहाँ वाले नहीं लगाने, जिन लोगों को ये छपरी लगते हैं ये वाले, तो वो ये डिसेंट से लगवा सकते हैं। और जिन लोगों को ये इस तरीके का बनाना है, क्योंकि इसको लगाने के बाद लुक जिस तरीके की गाड़ी जैसे कि है ना स्ट्रेट हैंडल बार, तो GT कॉन्टीनेंटल हो गया या लाइक कैफे रेसर वगैरह हो गया, तो उन लोगों में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी जिन लोगों को जो है इस तरीके का एक सिंपल सोवर चाहिए, एक ओरिजिनल वाले का रिप्लेस चाहिए, तो ये वाले मिरर आप देख सकते हो। फिटिंग बिल्कुल जेन्युइन है भाई, RE की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी आपको, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर एक क्रैश गार्ड लगा रखा है जो कि फुल्ली हैवी है, और इसको लगाने से गाइस आपको पता ही चल रहा होगा जैसे कि आपका ये पूरा पार्ट सेफ है। बैंड पाइप हो गया, इंजन हो गया, कभी बाइक गिर जाती है तो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन रहती है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अगर हम उतर जाओ बाबू जी, अब आप यहाँ भी देख सकते हो कि लैग भी सेफ है। यहाँ पर लगा रखी फॉगलाइट, ये फॉगलाइट यहाँ भी लग सकती थी या यहाँ भी लगा सकते थे, कस्टमर की चॉइस के साथ होता है। अपनी दुकान पर जो वो काम होते हैं जो आपकी पसंद होती है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये लगवा लो वो लगवा लो, आप जैसा बताओगे वैसे ही होगा। वो आपको पसंद होना चाहिए क्योंकि गाड़ी आपकी है, पसंद भी आप ही की होनी चाहिए गाइस। किसी दूसरे की पसंद से कभी भी काम नहीं कराना चाहिए, जो आपको खुद को पसंद हो आप वो काम करवाओ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ओवर कर देते हो, छपरी कर देते हो, हम कुछ नहीं करते, हमारा काम है सिर्फ करने का, आपका काम है करवाने का। आप डिसेंट बोलोगे डिसेंट कर दीजिएगा, आप बोलोगे ये भी लगा दो वो भी लगा दो, हम सब कुछ लगा देंगे यार, दुकान खोल के बैठे इसलिए तो बैठे हैं। फॉग लाइट देख सकते हो आप, प्रोजेक्टर वाली है गाइस, इसका मैं दिखाता हूँ फोकस कैसा है। इग्निशन ऑन किया मैंने, यहाँ पर स्विच लगा रखा है मेटल का CNC का। अब आप देख लो पहले फ्रंट से, फिर मैं आपको दिखाऊंगा फोकस। तो पहले तो हो गया ये वाइट, फिर हो गया येलो, अब आप सामने भी देख लो एक बार, देखो ये वाइट का फोकस है, ये है येलो का। भाई दिन में इतना ज़्यादा है, रात में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन सर का ये बाइक है वो पहाड़ों पर जाने वाले हैं लद्दाख वगैरह, तो वहाँ पर बहुत ही फोकस की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को पता ही है। और रॉयल एनफील्ड के बारे में आप जानती हो, हेडलाइट में अब कहीं जाके LED बल्ब दे रहे हैं, वो इतना नहीं है कि वो आप कहीं घूमने फिरने जाओ उसमें काम आ जाए, ठीक है। फॉग लाइट ज़रूरी है। सम गार्ड की प्लेट है इसमें देख सकते हो आप, ये भी लगा रखी है। और अगर बैक साइड में आपको दिखाऊं मैं तो लेडीज़ फुटरेस्ट जो कि लास्ट टाइम काम किया था और अब ये घूम फिर के भी आ चुके हैं, देखो उसमें टायर हैगर भी लगा रखा है। टॉप रैक देख सकते हो गाइस, टॉप रैक है और साथ ही में इस पर बैकरेस्ट लगा रखा है। और अगर आप लोगों को इसमें लगवाना हो टॉप बॉक्स तो आप ये हटा सकते हो और टॉप बॉक्स लगा सकते हो। इसमें हंटर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप ऊपर नीचे। तो ये हो गया गाइस मॉडिफिकेशन। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखोगे डबल जिस तरीके से मेरे इंटरसेप्टर में है यहाँ पर फुटरेस्ट दोनों साइड से है, उसी तरीके से इसमें भी हंटर की ब्रांडिंग के साथ इस तरफ भी आप देख सकते हो पर मैं लगवा सकते हो। बाकी इसमें सिंगल लगा रखा है क्योंकि इस तरफ लगा रखा है लेडीज़ फुटरेस्ट। अगर आप लोगों को ऐसा करवाना है आप देख सकते हो मेरे इंटरसेप्टर में, तो ये कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो दोनों तरफ इस तरीके का। बाकी इसमें सिंगल साइड लगा रखा है, एक यहाँ पर रेयर मास्टर सिलेंडर कैप लगा रखी है, ये देख सकते हो आप। तो ये सब था इसमें दोस्तों। बाकी हंटर की काफ़ी सारी वीडियो आपको और ही मिलेगी मेरे चैनल पे, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना गाइस। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो शुरू होगा शॉप पे लोकेशन के लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। सो गाइस अब हम आ गए लोकेशन पर, और ये ऐसी लोकेशन है कि पूरे भारत में आप कहीं भी आते हो हमारी शॉप पर तो आपको इस जगह पर आना, और यहाँ से आपको हमारी शॉप पर आना बहुत ही ईजी है। यही बात है, यही बात है, क्योंकि जो लोकेशन है वो भी ईजी है। वैसे तो सामने हनुमान जी की मूर्ति जो कि दिखाने वाले हैं, और मेट्रो स्टेशन भी, और यहाँ से लोकेशन चलते हैं कि अपनी लोकेशन पर।
तो मैं घुमाता हूँ एक बार कैमरा और आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, ये कुछ इस तरीके का यहाँ का जो है आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। सामने मिलेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति और उनके जस्ट आगे मेट्रो है। कौन सा मेट्रो स्टेशन है यही बता दो। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन है। झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट ही हनुमान जी की मूर्ति और आगे गोल चक्कर दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया लोकेशन के, आपको यहाँ पर आना है। आपको सीधे जो है झंडे वाला मेट्रो स्टेशन की लोकेशन लगानी है, हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखेगी और यहाँ से आपको ये वीडियो प्ले कर लेनी है और हमारे पीछे पीछे आना है। मतलब इस वीडियो को प्ले करके और फॉलो करना है। तो देखो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर गोल चक्कर है, तो ये गोल चक्कर है अपना और इस गोल चक्कर से यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़। ये देखो, हो सकता है जब आप और थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिले आपको, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर गोल चक्कर है। ये अगेन आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी मूर्ति जो कि आधी दिख रही थी आपको पूरी दिख रही होगी। और यहाँ से आपको इस तरह से आना है, ठीक है। तो ये छोटी सी रेड लाइट है, इसको आपने पार करना है। इस साइड नहीं जाना है आपको, इस साइड ही आना है और पूरा घूम जाओगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, इसलिए पूरा भी नहीं घूमना है। तो आपको जो है इस साइड में ऐसे आना है। तो सामने दिखा दो, ये सामने जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, इसमें चेंज होता रहेगा कुछ भी जो है एडवर्टाइजमेंट होती रहती, लेकिन आपको ये बोर्ड ऐसी तरह दिखेगा। इसके साइड में रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पार कर लेना, ये आ रहा है और वहाँ चले जाओगे तो वापस पहुँच जाओगे हनुमान जी के पास। और यहाँ आओगे तो ये रास्ता है। बैंक दिखा दो, बैंक, बैंक दिखा दो वाला। ये देखो तो ये बैंक है यहाँ पर फेडरल, और आप जब एंट्री लोगे ना तो यहाँ रैगरपुरा, बापर नगर और अजमलखा रोड का जो बोर्ड आपको दिखेगा इस तरीके से, ये देखो। तो आपको ना इसको पार कर जाना है, बिल्कुल सीधे चलना है बस। बाकी इधर उधर का माहौल भी दिखा दो। और यहाँ अगर आप देखोगे तो एक साइड में रोड है, इस साइड में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसी दिन मैं ड्रोन से बना दूंगा वीडियो, अभी ड्रोन के लिए पैसे नहीं मेरे पास। तो ये सीधे सीधे आना है आपने। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया लोकेशन की वीडियो डाल रहे हो आजकल, तो वो लोकेशन की वीडियो डिलीट हो गई थी मुझसे किसी कारणवश। और अब यहाँ पर आपने देखना है, आपने यहाँ पर एक साउथर्न होटल दिखेगा आपको, साउथर्न होटल, ये हो गया चौक। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ देखोगे तो पब्लिक कन्वेंस है। यहाँ से फिर आपने इस साइड में सामने पे कोने पे आपको दिख जाएगा अपनी दुकान का बोर्ड SKD, ये देखो। ये तो हो गया जी दुकान का। दोस्तों अभी तक आपको दिखाया है कि जो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ से आपको दुकान तक हमारी कैसे आना है। तो यहाँ दुकान तक तो आप आ गए, फ्रंट आपने देख लिया, अब आपको अंदर लेके चलते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है ना। बिल्कुल। तो बाकी एक बार मैं आसपास का थोड़ा दिखाना चाहूँगा यहाँ आपका, एक तो ये देख सकते हो आप। तो यहाँ से साफ दिख जाती है हनुमान जी की मूर्ति। चलते हैं अंदर, बोर्ड आपने देख लिया, फ्रंट कुछ इस तरीके से है। और जब आप अंदर आओगे ना तो यहाँ जो है ऑफिशियली राजवाही दिखेंगे आपको, और मैं कभी कभी दिखता हूँ, नहीं ये भी दिखेंगे वैसे। तो एक बार बाहर से भी दिखा देते हैं, बाहर वाली साइड भी दिखा देते हैं, तो आइए साथ में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अपनी बाइक मॉडिफिकेशन की शॉप है, तो यहाँ पर आपको बाइक से रिलेटेड सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, चाहे वो एक्सेसरीज हो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, नॉट पार्ट सिर्फ मॉडिफिकेशन, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ इस तरह की कस्टमाइज़ कराना चाहते हो, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं अपनी बाइक से, एक यहाँ पर राजवाही वाली बाइक खड़ी हुई है तो ये भी है। तो ये जो क्या है, टू साइड ओपन है, तो फ्रंट से हम आए और बैक साइड से बाहर आ चुके हैं। आप इस गली से भी आ सकते हो। ये कितने नंबर गली है बता दो। 36 नंबर गली है, इसका मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगा। 36 नंबर गली कौन सा? अच्छा, तो एक बार ये आप बोर्ड देख लो, ये बोर्ड दिखा दो, यहाँ जो ब्लू कलर का बोर्ड है एक बार आपको दिखाते हैं। ये हम बैक वाली साइड की, अपनी शॉप की बैक वाली साइड की गली में है। तो यहाँ आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का बोर्ड है, और यहाँ पर क्या है ना, गलियों के हिसाब से नंबर है। तो ये 36 नंबर गली है, और जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तो अगर यहाँ से भी आप आते हो, अभी आपने टर्न लिया था वहाँ से लिया था, अगर आप वहाँ से ना आकर के यहाँ से भी आओगे ना, तो यहाँ से भी आपको सामने SKD का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। और इधर से थोड़ी सी आगे मस्जिद दिखाई देती है हमारे आसपास, सब कुछ बिल्कुल यहाँ पास है मस्जिद है। अगर मस्जिद में आगे एक बिरयानी वाले हैं अंकल, अगर आप उनसे पूछ लोगे कि SKD जो है कहाँ पर है, तो वो भी आपको उंगली पकड़ के ले आएंगे। आओ, तो ये तो हो गई बैक वाली साइड से, यहाँ भी सेम टू सेम सेम कलर का बोर्ड मिलेगा। और दोबारा से अंदर आ गए हम, और अंदर आने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपना वो जरा डिक्लेयर कर दो आसान भाषा में।
स्लो स्लो। जब भी आप लोग आते हैं, जब भी आप लोग आते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि आने से पहले कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन नंबर डला हुआ है, बट फिर भी 8880056797 ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों है। दूसरा नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9911529266, इस पर भी आप कॉल करके जो भी आप क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। तो ये तो हो गई प्रॉपर लोकेशन की वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो मुझे आप कमेंट करना, मैं कुछ नए तरीके से और इससे ज़्यादा आसान कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।